अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हमें उन पेड़ पौधों की जानकारी नहीं होती। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो औषधि के रूप में भी काफी कारगर माने जाते हैं, जिनका सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। उन्हीं में से एक है सहजन का पेड़। इस पेड़ में सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर में एक नहीं बल्कि सभी बीमारियों में रामबाण इलाज का काम करता है। हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात अमित वेश ने बताया कि सहजन को इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा और ये मोरिंगेसी कुल का सदस्य है। ये डायनामाइट फूड भी कहलाता है। सहजन का जो इंग्लिश नेम है वो है मोरिंगा और इसका वानस्पतिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा और ये मोरिंगेसी कुल का सदस्य है। ये डायनामाइट फूड भी कहलाता है, सुपर फूड भी कहलाता है। औषधीय दृष्टि से आज इस पौधे की बहुत डिमांड है। इसकी पत्तियों का जो चूर्ण होता है, पत्तियों को ड्राई कर लेते हैं, लेकिन पत्तियों को हम कभी भी सन लाइट में ड्राई नहीं करते, इसको शेड में ड्राई करा जाता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो विटामिन्स से मिनरल्स से भरपूर होती है, इसीलिए इसको अब हम सुपर फूड की संज्ञा दे रहे हैं। तो क्या क्या फायदे हैं इसके? ये तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें इस वृक्ष का फायदा ना होता हो। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, हार्ट को हेल्थ प्रोवाइड कराता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है, गठिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, शरीर में किसी भी तरह के घाव हो उनको भरने में इसका यूज़ किया जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो, एनीमिया हो गया हो उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो फल होता है उसको हम फली बोलते हैं, पॉड बोलते हैं, तो उस पॉड का यूज़ सब्जी के रूप में भी किया जाता है, इसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है। इस वृक्ष का ऐसा कोई भाग नहीं है जो औषधीय रूप से महत्वपूर्ण ना हो। इसका एक नाम ड्रम स्टिक प्लांट भी है। इसकी जो पॉड्स होती हैं, फलियां होती हैं, वो ड्रम स्टिक की तरह ट्रायंगुलर होती हैं, दिखाई देती हैं, इसलिए इसको ड्रम स्टिक प्लांट भी कहते हैं। और औषधीय दृष्टि से आज ये मेडिकल साइंस में मिरेकल बना हुआ है, इसको मिरेकल ट्री भी कहा जाता है।